नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक एवं साथ ही 2019 के लोकसभा इलेक्शन में से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी उपेंद्र रावत जी हैं। उपेंद्र रावत जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उपेंद्र रावत जी, आपका बाराबंकी जिला किसानों के लिए जाना जाता है और यहाँ के किसान देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बाराबंकी जिले का मान बढ़ाया है। ऐसे कौन से काम थे किसानों के जो आपके विधायक कार्यकाल के पहले नहीं हुए थे और जब आप विधायक बने उसको किए? सवाल नंबर दो कि अगर आप इस बार सांसद प्रत्याशी के रूप में हैं, अगर आप सांसद चुन के आते हैं तो कौन सा ऐसा काम है किसानों का जो आप? पहले सवाल आपका है कि दो साल में आपने कौन ऐसे काम किए जिस जो पहले नहीं होते थे, होना शुरू है। देखिए, मैं बता दूं कि खेती की जो प्रक्रिया है वो साल और छः महीने में नहीं शुरू होती है। ये प्रक्रिया ऐसी है कि जब कोई शुरुआत होती है तो 4-6-10 साल उसको लगता है शुरू होने में, तब जा करके वो कहीं दिखाई देती है। मेरे यहाँ केले की खेती, मेरी विधानसभा में विशेष रूप से केले की खेती बहुत ही लाभप्रद खेती है और पूरे ज़िले को अगर देखें तो मेंथा की खेती है। दूसरा जो आपका सवाल है कि सांसद बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये प्रयास रहा है हमारा और अभी उसमें सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन आगे आने वाले समय में मेंथा की जो खेती है इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा कि इसकी बाराबंकी किसानों की उपेंद्र जी अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे इलीगल अफीम की खेती चल रही है, इस पे आप अभी तक क्या कार्रवाई की और आगे इसको किस प्रकार से जो खेती हो लीगल हो इस पर आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? अफीम की खेती अनलीगल नहीं हो रही है, खेती तो लीगल हो रही है और नारकोटिक्स विभाग के लोग आते हैं, वो बाकायदा पैमाइश करते हैं खेत की कि इतने रकबे का लाइसेंस आपको मिला है, उतना ही है, अगर ज़्यादा होता तो उसको नष्ट करवा देते हैं। जो उसकी उपज होती है अफीम जो निर्धारित मात्रा में सरकार को देनी होती है, कुछ किसानों को उससे ज़्यादा उपज मिल जाती है तो वो जो ज़्यादा मिल जाती है उसको भी सरकार को दे देना चाहिए, वहाँ से भी उसका मूल्य मिलता है, लेकिन मार्केट रेट में ब्लैक मार्केटिंग में उसका बहुत अधिक मूल्य है, इसलिए वो ब्लैक मार्केटिंग के रूप में जाती है। बहुत कुछ हद तक इसको कम करने का प्रयास किया है दो साल में और आप देख रहे होंगे कि पहले की अपेक्षा पिछले दो साल से जब से मैं विधायक हूँ मेरे ही क्षेत्र में ज़्यादा इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। उपेंद्र जी, आप भी युवा हैं और कांग्रेस के मौजूदा सांसद प्रत्याशी भी मिस्टर तनुज पूनिया जी भी युवा हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई थी दो दिन पहले, तो उनका कहना था कि 2009 में जब उनके पिताजी जो इस समय राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने जो काम 2009 से 14 तक कराया था वही उसी पे बाराबंकी का विकास ठप हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? अब ये अपने मुँह से अपनी पीठ ठोंकने की बात है। उनके पिताजी ने विकास कराया, उसके बाद में विकास ठप हो गया। बाराबंकी से लेकर के बहराइच तक की जो सड़क चौड़ी हुई ये किसने करवाया? लखनऊ से और हैदरगढ़ होते हुए जो सड़क सुल्तानपुर जा रही है, इस सड़क का चौड़ीकरण किसने करवाया? बाराबंकी के अंदर जो भी मेन रोड को जोड़ने वाली सड़कें थीं, जो पतली सड़कें थीं, उनका सबका लगभग चौड़ीकरण हो गया है। चाहे आप बयारा से लेकर के और तिलोकपुर होते हुए रानी बाज़ार की सड़क को देख लीजिए, आप फतेहपुर में देख लीजिए, बिलौली महाराज वाली रोड को देख लीजिए, पूरे ज़िले में सड़कों का जो सड़कें सकरी थी उनका चौड़ीकरण का इतनी तेज़ी से काम हो रहा है और मुझे लगता है ये कहने वाले लोग शायद गांव में घूमते ही नहीं हैं, वो जा करके चौराहों पर बैठते हैं, सिर्फ कुछ लोगों के पास बैठते हैं तो सड़कें उनको कहाँ दिखेंगी। उपेंद्र जी, अभी जब मैं आपके घर आ रहा था आपका उधर बोर्ड एक लगा है, उस बोर्ड के पास रोड बड़ी ख़राब है, आते वक्त हमको गाड़ी से बड़ी दिक्कत हुई, ये रोड कब टूटी और ये कब तक सही हो जाएगी, कब तक हम उम्मीद करें? मेरे घर को लगता है आप पहली बार आए हैं, यहाँ जब मैं विधायक हुआ था यहाँ पैदल आना मुश्किल था, आज यहाँ की सड़कें देख करके यहाँ जो पहले लोग आते थे उनको अंदाज़ा लग गया है कि यहाँ कितना तेज़ी से विकास हुआ है। सड़क बनेगी, टूटेगी भी, रिपेयर होगी, तुरंत टूट करके तुरंत रिपेयर हो जाए ऐसा भी नहीं है। ये नगर पालिका में है ये क्षेत्र, यहाँ पर जितने मेरे मोहल्ले में या रोड से इधर आने के जितने भी रास्ते हैं सब पर इंटरलॉकिंग हो गई है, सब सड़कें बन गई हैं। ये तो तुलना वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले आया हो और अब आवे। जी, ये बताइए, ये जो राहुल गांधी जी इस समय अभी एक हाल ही में एक जनसभा में उन्होंने बोला है कि वो हर साल 72,000 रुपये
हर करीब 5 करोड़ परिवारों को देंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक काफ़ी कई जगह मैंने इंटरव्यू में भी देखा, लोग कहते हैं कि मोदी जी 15 लाख कब देंगे। जहाँ तक मैं वो इंटरव्यू कई बार पढ़ा हूँ, उसमें मोदी जी ने बोला था, ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर स्विस बैंक के सारे काला धन आ जाए तो यूं ही सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने बात इनडायरेक्टली वही कही थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने भरे मन से सीधे बोला है कि 72,000 रुपये सालाना वो करीब 5 करोड़ परिवारों को देंगे। कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि इससे बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। इस पे आपका क्या कहना है? कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि साल भर में 72,000 रुपये प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा, एक परिवार को दिया जाएगा, और महीने में 12,000 रुपये दिया जाएगा, ये भी है, अखबार में पढ़ा होगा। तो 12,000 रुपये महीने के हिसाब से साल भर का कितना होता है? हमने तो पहाड़ा पढ़ा था, 12 बरहिया में 144, मतलब 1,44,000। और राहुल गांधी ने पहाड़ा पढ़ा है 12 बरहिया में 72,000। तो ये तो सवाल अब ये है कि ये जांच कराई जानी चाहिए कि राहुल गांधी को पहाड़ा आता है कि नहीं आता, पढ़े लिखे भी हैं या बाहर किससे ऐसे ही डिग्री लेकर के आ गए। 12,000 रुपये प्रतिमाह, ये भी कहा है ना, 72,000 कहा है, लेकिन प्रतिमाह के हिसाब से भी 12,000 का है। तो 12,000 को अगर 12 महीनों से गुणा करें तो 1,44,000 आता है, तो 72,000 कैसे देंगे? उपेन जी, 5 साल कार्यकाल प्रियंका रावत जी का यहाँ रहा, आप उनके इस 5 साल के कार्यकाल को किस कैसे देखते हैं और यहाँ पे उन्होंने क्या क्या काम किए? उन्होंने काम किए हैं, देखिए हमारे यहाँ ये कोई श्रेय लेना कि सांसद काम कर रहा है, विधायक काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारी सरकार काम कर रही है, वो काम सांसद का भी होता है और विधायक का भी होता है। सरकार ने काम किया, अब योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली, गांव में 18 घंटे बिजली। जो बिजली 7 और 8 घंटे रहती थी गांव में, उसको बढ़ा करके 18 घंटे देने का काम किया गया। प्रधानमंत्री जी की ये भी सोच है कि इसको बढ़ा करके 24 घंटे भी किया जाएगा। तो इस तरीके से अभी 5-5 लाख की हर विधानसभा में सड़कों को स्वीकृत करके और उसका काम भी शुरू हो गया। मेरी विधानसभा में बड़ी बड़ी सड़कें हैं, 1,90,00,000 की बमौरा लोदे वाली सड़क, 1,30,00,000 की महादेवनपुरवा वाली सड़क, इन सब सड़कों का शिलान्यास वो उद्घाटन हो चुका है और इन पर काम शुरू हो गया है। प्रियंका रावत जी के 5 साल के कार्यकाल को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? अरे नंबर देने की उसमें क्या बात है भाई, वो नंबर तो ठीक है, अच्छा। अगर नंबर ठीक था तो पार्टी ने उनको इस बार यहाँ से टिकट क्यों नहीं दिया? बहुत लोग काम करते हैं पार्टी में, एक आदमी थोड़े काम करता है। मैं भी अकेले काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी एक व्यक्ति को आगे करके चुनाव लड़ती है। यहाँ कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं, पूरी जनता चुनाव लड़ती है। हाँ, ये व्यवस्था है, तो एक व्यक्ति को आगे करके लड़ना है चुनाव। उपेन जी, आप बाराबंकी में युवाओं में काफ़ी फेमस हैं, युवा आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ये हमारे जो यहाँ पे कुछ युवा मित्र हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। आप अगर सांसद चुन के आते हैं तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? मेरा युवाओं से, युवा मामले में मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मैं युवक मंगल दल का अपने गांव का अध्यक्ष रहा हूँ और फिर ब्लॉक का अध्यक्ष भी रहा हूँ और इस ज़िले का भी 7-8 साल तक अध्यक्ष रहा हूँ युवक मंगल दल का। और उस दौरान पूरे ज़िले में भ्रमण करके, दौड़ दौड़ करके युवाओं के बीच में काम करना, युवाओं को रचनात्मक दिशा से जोड़ने का काम मैंने किया है। अगर मैं सांसद होता हूँ तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो आने वाला इस देश का भविष्य है, युवा जो है आज है, वो उसकी दिशा जो है, उसकी सोच रचनात्मक हो, विध्वंसात्मक सोच न हो, क्योंकि युवा में वो ताकत होती है। अगर वो गलत काम की तरफ जाएगा तो बहुत ही भयंकर प्रलयकारी काम करेगा, अगर रचनात्मक दिशा में जाएगा तो बहुत ही नवनिर्माण के काम करेगा। तो ये मेरी होगी कि सोच बदलनी चाहिए, सिर्फ उनके लिए कोई सड़क दे दें या नाली दे दें, खड़ंजा दे दें, ये नहीं। हम नाली और सड़क खड़ंजा किसके लिए दे रहे हैं? जिनको, जिनके लिए दे रहे हैं वही नाली तोड़ डाल रहे हैं, वही खड़ंजा बिगाड़ रहे हैं। तो ये युवाओं की ऐसी सोच बनाने का काम किया जाएगा कि जो विकास हो रहा है, सरकार विकास कर रही है, वो हमारे लिए कर रही है, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम हमारा। आप अपनी लड़ाई उपेन जी किससे मांगते हैं? सपा से, सपा और बसपा का जो गठबंधन है, ये राम सागर रावत जी उसके कैंडिडेट हैं, उनसे या फिर तनुज पुनिया से? अब अगर कोई थोड़ा बहुत पीछे हो तो हम उससे बतावें,
जब लड़ाई में दोनों लोग बहुत ही कोसों दूर, हम किसको बताएं कौन किससे लड़ाई है? तनुज जी, बाराबंकी में जो किसान है, किसान की मैं अभी देख रहा था इंटरनेट पे, आत्महत्या की दर कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले कुछ बढ़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, किसानों की आत्महत्या की दर कृषि को लेकर के बढ़ी नहीं है, घटी है। हर किसान को, जो 20 बीघे से कच्चे 20 बीघे से कम का किसान है, हर किसान को 6,000 रुपये सालाना देने का वादा मोदी जी ने किया, और लगभग 50% लोगों किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहली किस्त का चला गया। जब 2017 में चुनाव हम लड़े थे, हमारी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद कर्ज माफ़ी की जाएगी। 36,000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के किसानों का माफ़ करने का काम किया गया। बाराबंकी की जनता से उपेंद्र जी, आप हमारे स्वतंत्र प्रहार चैनल से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस देश को परम वैभव तक ले जा सके, और देश को दुनिया में जो अगड़े हुए देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी श्रेणी में ले जा करके खड़ा करे, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति इस हिंदुस्तान में नहीं है। तो इसलिए पुनः नरेंद्र मोदी जी, ये किसी सांसद या विधायक सांसद चुनने का सवाल नहीं है, सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री को चुनना है, और प्रधानमंत्री पद के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, ये मेरी जनता से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपेंद्र रावत जी थे, भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रत्याशी, जो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में यहाँ से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।